है फ्रेंड्स, अभी बज रहा है दोपहर का 3 और हम लोगों का खाना पीना कुछ नहीं हुआ क्योंकि शॉर्ट वीडियो के चक्कर में। और छोड़ो गाइस, तो शॉर्ट वीडियो कंप्लीट हो गया शूट करना, तो प्लीज़ गाइस आप लोग जाके देख लें। फिलहाल अभी जा रही हूँ खाना खाने, तो आज ना बात हो रही है मायके जाने का, तो मुझे पता नहीं कि मैं जा पाऊँगी या नहीं, तो कोशिश तो करती हूँ ना। तो चलिए गाइस, मैं रखती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा। सो है फ्रेंड्स, मैं अभी जा रही हूँ फिलहाल मायके, और मतलब वीडियो शूट करने का एकदम ही टाइम नहीं मिला, और मतलब घर में इतना ज़्यादा काम रहता है ना उसकी वजह से, और तब भी जाके घर का बहुत बुरा हालात है, देखोगे आप लोग, चलो दिखाती हूँ। और आप लोग तो जानते हैं ना कि मैं जब कहीं पे जाती हूँ तो मेरे घर का हालात कुछ इस तरीके से ही रहता है। तो फिलहाल अभी ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं और जाती हूँ मायके। सो मेरी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स लोग, मैं घर से निकल चुकी हूँ, तो प्लेटफॉर्म से खुल गया है ट्रेन। और पता है गाइस, मतलब हम लोग जिस इस बॉगी में बैठे थे ना, तो एक भाई साहब ना मतलब मोबाइल देख रहा था उसको मोबाइल में, बट हम लोग ना ऐसे बैठे थे, तो वो वाला क्लिप हम शूट किए थे बट पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, तो हम लोग भी ना देख रहे थे बट उसको पता नहीं था। तो यहाँ पे हो रही थी बहस का मतलब, हम लोगों के इधर एक मार्केट है, तो हम जब गए थे ना तो मार्केट बंद हो चुका था, तो मुझे पता नहीं था कि बृहस्पतिवार को जो कि है गाइस मार्केट बंद रहता है। तो इसी बात को लेके मतलब एक जैसा बवाल टाइप का हो गया ट्रेन में ही, और मैं इधर खाने में व्यस्त था और इधर कैमरा पकड़ा था, और इधर से उधर से लोग सब देख रहा था, बोल रहा था कि ये पागल है क्या, और हाँ मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था कि पागल लूँ उसके बाद मतलब क्या और बोलो। हे फ्रेंड्स, हम लोग ट्रेन से उतर गए हैं, अभी जा रहे हैं फिलहाल घर की तरफ। ना तो मुझे ना ये वाला बॉटल बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये ठंडा वाला आड़ वाला, तो तो गाइस घर पे जाते वक्त हम लोग दवाई ले रहे थे, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि किसको क्या हुआ, बट किसी को कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरे जो भाई है मौसी का लड़की, उसका थोड़ा बुखार आ गया था। सो हे फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ घर में और अभी जस्ट आए हैं, 2 मिनट भी नहीं हुआ, तो मेरा काम ही क्या है। और गाइस मैं जो ये नेकलेस मतलब पहनी हूँ ना, ये चेन, तो ये ना मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, 45 का पड़ा है, बट मुझे ना ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, मतलब मैं ना इसको छोड़ ही नहीं रही हूँ। सो हे फ्रेंड्स, ये रात का डिनर एकदम सिंपल खाना पीना खाने के बाद सो गए थे, उसके बाद कल सुबह आप लोगों के साथ मुलाकात करते। अभी हम लोग आए हैं खेत पे, क्योंकि साग होता है एक, उसको हिंदी में क्या बोलता है मुझे मालूम नहीं है, बट बंगाली में बोलते हैं शेजीर साग, और हिंदी में मुझे पता नहीं है, बंगाली लड़की को हिंदी में कैसे पता चलेगा। तो चलिए गाइस, आप लोग भी व्यू एंजॉय कीजिए, और मेरा बहन भी आया है, सो दिखाई नहीं दे, वो देखो बाबू। यहाँ पे आने का ना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि गाइस मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं, तो उस बाबू ने कह दिया, तो हम लोग जिस जगह पे रहते हैं ना, तो मतलब ये सब कुछ भी नहीं है, बट मामा के घर में आती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे ना बहुत ही मतलब जिधर भी ताको ना, घर से बाहर जिधर भी ताको, तो हरियाली है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और धूप भी हो रखा है बहुत, लेकिन तब भी मैं आ गई बहुत, तो जस्ट अब बिलीव नहीं कर सकता कि इतना सुंदर आसमान हो रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं ना सोच रही थी कि कुछ शॉर्ट वीडियो शूट कर लूँ, पर ये नेट ना बहुत गंदी है, मतलब 1.5 GB डेटा
मतलब कुछ सेकंड में उधाव हो जाता है, पता नहीं क्यों। कोई है तो मेरे मोबाइल में प्लीज़ रिचार्ज करवा दीजिए, मैं अगली जन्म में आपके आपको पूरा सूद के समझ चुका दूंगी, ठीक है। और अभी ना बारिश आ रहा है और मेरा मोबाइल भीग जाएगा तो एकदम ही सर्वनाश हो जाएगा, तो फिलहाल अभी मैं रखती हूँ। और ये ना मेरे बहन है, मतलब ये साग उठाने के लिए बैठी थी तो बोल रही थी कि हम आप इस साइड जाओ तो हम इस साइड जाएं। और मेरा जब ध्यान इसके ऊपर पड़ा ना तो ये क्या कर रही थी, मतलब खेत के बीचे बीच बैठ के ये मतलब मोबाइल चला रही थी। और ये सो देखो एकदम पागल ही है। फ्रेंड्स ये है काश फूल, और जब ये मंदिर यहाँ पे नहीं था ना तो इस जगह को लेके मतलब सारी जो खेत है ना तो उसमें होता था, बट चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत हुआ तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और दुर्गा पूजा को अभी ज़्यादा दिन बाकी भी नहीं है, मतलब और 20 दिन के करीब रह गया है। तो चलो गाइस, ये लोग कितने सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया है, यहाँ पे कुछ पौधा लगाया है बट और भी अच्छा है, लेकिन इधर का थोड़ा जंगल वंगल साफ कर देगा ना तो और भी अच्छा लगेगा, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा तो मंदिर देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये था ना डिप्टी कॉल, जैसे कि वहाँ पे देख रहे हो। सो हे गाइस, मैंने वीडियो तो शूट किए थे बहुत सारे लेकिन पता नहीं क्यों डिलीट हो गया, और जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो गाइस आप लोगों को जो मंदिर दिखाया कि खेतों के बीचों बीच एक मंदिर है तो उसी का व्यू है, यहाँ पे शिव जी विराजमान है। और ये मंदिर ना गाइस मतलब गांव का जो लड़का लोग है ये लोग मिलके बनाए हैं, तो खेतों में जो पानी चलाने के लिए जो यूज़ करता था ना मतलब जो क्या कहते हैं उसको डिप्टी कॉल, तो वही इसका वही है, तो उसको तोड़ ताड़ के मतलब एकदम सा ऐसे करके इन लोगों ने कर दिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हो गया साग उठाना, तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और मतलब हम लोग जब आए थे ना तो बहुत ही ज़्यादा धूप था, बट अभी ना धूप कम हो गया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है कि थोड़ा बैठी रहूँ, लेकिन थोड़ा मार्केट भी जाना है, तो चलिए।